हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल, जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आपको बॉडी में कहीं भी दर्द रहता है, जैसे जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द या कंधों में दर्द रहता है, या फिर आपको यूरिन इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना या रुक रुक कर पेशाब आना या किडनी और ब्लैडर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कब्ज रहती है और सुबह एक बार में खुलकर पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता है, पेट में गैस का गोला हमेशा बना रहता है, भूख कम लगती है, पेट हमेशा भारी भारी रहता है, या फिर चाहे आपको पैरों के तलवों में सूजन और दर्द रहता है, पैर के तलवों में जलन रहती है और इस वजह से रात को ठीक से नींद भी नहीं आती, या पैर के तलवों में नील पड़ी हुई है, छाले पड़े हुए हैं, अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं और सिर से गंजापन दिखने लगा है, मतलब सर से लेकर पैर तक उनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान सॉल्यूशंस देगा। इन सारी प्रॉब्लम्स का इलाज आज हम देखेंगे सिर्फ एक चीज से, और वो है प्याज। जी हाँ दोस्तों, हमारे आयुर्वेद के महान ग्रंथों जैसे कि चरक संहिता और अष्टांग हृदय में प्याज के बहुत सारे गुण और बहुत सरल सरल लेकिन तुरंत असर करने वाले बहुत ही कारगर इलाज बताए गए हैं। आयुर्वेद के द्रव्य गुण विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर देखा जाए तो प्याज को वातहर, बल वीर्यवर्धक और रतौंधी की बेस्ट दवा बताया गया है। यही कारण है कि प्याज वात रोग जैसे कि आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द के लिए कमाल की दवा है, और बल वीर्यवर्धक होने के कारण बॉडी को एनर्जी देने वाला, थकान कमजोरी दूर करने वाला और पुरुषों में वीर्य की वृद्धि करने वाला प्रकृति का दिया हुआ कमाल का वरदान है। तो चलिए आज मैं आपको बॉडी में सिर से लेकर पैर तक सब अंगों की प्रॉब्लम के लिए प्याज को इस्तेमाल करने का तरीका एक एक करके बताती हूँ, ताकि आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बहुत आसानी से अपने उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। आइए देखते हैं बॉडी में होने वाले किसी भी दर्द के लिए इलाज। जिन लोगों को बॉडी में कहीं भी दर्द रहता है, जैसे जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, कंधों में दर्द, तो उनको एक प्याज को छोटे टुकड़ों में काट लेना है। लहसुन की 10 कलियां भी छोटे टुकड़ों में काट लेनी है। फिर आपको एक पैन, कड़ाही या भगोनी में करीब 50 मिलीलीटर सरसों का तेल लेना है। इस तेल में आपको ये कटा हुआ एक प्याज और लहसुन की 10 कलियां कटी हुई डाल देनी है। और क्या डालना है, ये एक चम्मच दाना मेथी भी इस तेल में डाल देनी है। फिर आपको इस तेल को लो फ्लेम पर गर्म करना है। थोड़ी थोड़ी देर में इसे करछी से हिलाते रहना है, फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है। जब प्याज और लहसुन इस तेल में पकते पकते बिल्कुल काले पड़ जाएं, तो गैस बंद कर दीजिए। इस तरह प्याज, लहसुन और दाना मेथी के सारे रस, सारे गुण इस सरसों के तेल में आ गए हैं। अब ये तेल ठंडा होने दीजिए और फिर छान लीजिए, फिर एक शीशी में भरकर रख लीजिए। अब चाहे आपके कंधों में दर्द होता है, या कोहनी में, घुटनों में, कमर में दर्द होता है, या फिर बॉडी में कहीं भी दर्द होता है, तो आप डेली रात को सोने से पहले दर्द वाली जगह इस तेल से हल्के हाथों से 5 मिनट मालिश कीजिए। हो सके तो तेल हल्का सा गर्म करके यूज कीजिए। ये आपकी बॉडी के हर दर्द की रामबाण दवा है। इस तेल की मालिश से कुछ ही दिनों में आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि इससे आपका मोच का दर्द, मसलन खिंचने से होने वाला दर्द, गठिया का दर्द, खांसी वगैरह के कारण होने वाला चेस्ट का दर्द भी तुरंत खत्म हो जाता है। अगर पेशाब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या करें? जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, पेशाब बार बार आता है या पेशाब आना बंद हो गया है, किडनी से जुड़ी कोई भी बीमारी है, यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी कोई भी बीमारी है, तो उनको क्या करना है? उनको प्याज लेना है 50 ग्राम और इस 50 ग्राम प्याज को काट कर 1 लीटर पानी में डाल लेना है। इस पानी को खूब अच्छी तरह से उबाल लेना है। जब ये अच्छी तरह उबल जाएगा तो गैस बंद कर देनी है और इसे ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको छान लेना है। छानने के बाद इसमें मिलाना है 2 चम्मच शहद। आप अपने स्वाद के हिसाब से शहद की मात्रा थोड़ी बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्याज और शहद का पानी बनकर तैयार हो गया है, इस पानी को आपको 3 बराबर हिस्सों में बांट लेना है। ये पानी आपको दिन में 3 बार यानी सुबह, दोपहर और शाम को पी लेना है और खत्म कर देना है। सुबह आप ये पानी नाश्ता करने के 15-20 मिनट बाद पी लीजिए, फिर दोपहर में खाना खाने के 15-20 मिनट बाद पी लीजिए, फिर रात को भी आप ये पानी खाना खाने के 15-20 मिनट बाद पी लीजिए। पहले दिन के यूज से ही आपको बहुत गजब का फायदा हो जाएगा। आप इसको डेली 1 से 2 हफ्ते तक ले सकते हैं। किसी को भी अगर पेट से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है तो वो क्या करे? जिन लोगों का पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता, खाना ठीक से नहीं पचता, कब्ज की प्रॉब्लम बनी रहती है, गैस बहुत बनती है, पेट में दर्द रहता है, भूख कम लगती है, तो उनको 1 प्याज और 5 कली लहसुन की लेनी है और इन सबको काट कर मिक्सी में पीस कर उसका पेस्ट बना लेना है, और उस पेस्ट को कपड़े या चलनी में से छान कर प्याज और लहसुन का मिक्स रस निकाल लेना है।
इसके बाद अदरक का रस भी निकालना है और इसके लिए अदरक के एक मीडियम साइज के टुकड़े को कद्दूकस कर लेना है और चलनी में डालकर चम्मच से दबाकर अदरक का रस भी निकाल लेना है। बड़ी आसानी से निकल आता है। अब आपको एक कटोरी में लेना है 2 चम्मच प्याज और लहसुन का मिक्स रस। इसमें आपको डालना है 1 चम्मच अदरक का रस। आखिर में इसमें डालना है 3 चम्मच शहद और इन सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। ये आपकी एक बार की खुराक है। इस मिक्सचर को दोपहर का खाना खाने के 10-15 मिनट पहले आपको खा लेना है और इसी तरह रात का खाना खाने के 10-15 मिनट पहले भी इसको इतनी ही क्वांटिटी में फिर से खा लेना है। सभी चीजों के रस जो सुबह निकाले थे उनमें से जो बच गए हैं वो फ्रिज में रख लेना। वो बचे हुए रस ही रात को काम में आ जाएंगे, लेकिन एक दिन पुराना रस काम में नहीं लेना है। तो दोस्तों, सुबह और रात को दोनों टाइम खाना खाने के पहले इसे खाने से आपके पेट और डाइजेशन से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। चाहे कब्ज रहती हो, खाना नहीं पचता हो, भूख नहीं लगती हो, पेट में दर्द रहता हो, ये सब प्रॉब्लम्स 7 दिनों के अंदर अंदर पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाएंगी। जिन लोगों के पैर के तलों में सूजन रहती है या फिर तलवों में कहीं खून जमा हो गया है या कहीं नील पड़ गई है या तलों में बहुत ज्यादा खारिश होती है, पैर के तलों में जलन रहती है या तलों में बहुत ज्यादा थकान से दर्द रहता है या तलों पर छाले पड़ गए हैं, उनको क्या करना है ये पूरा अच्छी तरह समझ लेते हैं। इसके लिए एक प्याज ले लेना है। इस प्याज को मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लेना है। काटने के बाद इसे मिक्सी में डालना है, साथ में 5 चम्मच पानी भी डाल लेना है। प्याज को पीसने से इसका पेस्ट बन जाएगा, लेकिन नुस्खे में हमें ये पेस्ट नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस प्याज के पेस्ट को किसी कपड़े या चलनी की हेल्प से छान लेंगे। इस तरह थोड़ा पानी मिला हुआ प्याज का रस निकल आएगा और इसी रस को हम काम में लेंगे। कैसे काम में लेना है वो समझ लीजिए। इस प्याज के रस को एक पैन में डाल लेना है और इसको थोड़ा गर्म कर लेना है, लेकिन उबालना नहीं है। ठीक ठाक गर्म हो जाए तब गैस बंद कर देनी है और इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। जब ये हल्का गर्म रह जाए तब इसे काम में लेना है। प्याज के इस रस से अपने तलवों पर मालिश करनी है। जैसे हम किसी भी तेल से मालिश करते हैं, वैसे ही हमें प्याज के इस रस से मालिश करनी है। इस प्याज के रस की मालिश से पैरों की सारी थकावट, दर्द, जलन दूर हो जाती है। ये पैरों को ठंडक देता है। आप 1 हफ्ते डेली इसका यूज करके देख लेना, आपकी तलवों से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, सिर में गंजापन दिखाई देने लग गया है और ये चिंता सताने लग गई है कि कहीं पूरे गंजे नहीं हो जाएं, तो उन लोगों को क्या करना है कि एक प्याज को छील लेना है और इसको छोटे टुकड़ों में काट लेना है। प्याज के इन टुकड़ों को मिक्सी में डालकर थोड़े पानी के साथ पीस लेना है। पीसने के बाद इसे छान लेना है और प्याज का रस निकाल लेना है। अब इस प्याज के रस में एक कॉटन बॉल को डुबोना है और इस कॉटन बॉल की हेल्प से प्याज का रस आपको अपने पूरे स्कैल्प पर यानी अपनी खोपड़ी की स्किन पर लगा लेना है। इसे लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर आपको किसी माइल्ड आयुर्वेदिक शैम्पू से धो लेना है। नारियल के तेल से अपने स्कैल्प की और बालों की 5 मिनट तक अच्छी तरह मालिश कीजिए। इस तरह एक दिन छोड़कर एक दिन प्याज का रस लगाने से और फिर नारियल के तेल से मालिश करने से बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, जिससे बाल झड़ना पूरी तरह बंद हो जाएंगे, नए बाल भी उगने लगेंगे, बाल तेजी से बड़े होने लग जाएंगे और गंजापन भी नहीं रहेगा। मेरे ऐसे ही वीडियोस जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर देखते रहिए।